हेलो नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बजाज डीजल के बारे में बता रहा हूं और इसमें दो किस्म के पंप आएंगे, एक BS2 041 और एक जो है सो BS3। इसका नंबर देखो 049। मैं आज आपको कंपार्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं, देख लीजिए, खोल दो। पहले ये लॉक हटाना है और इसकी रोलर और टैपेट और इसके स्प्रिंग, इसका फ्लंजर देखो दोस्तों, इसमें 633 नंबर आएगा। और डीवी जो है सो 075 आएगा। ये होल्डर के अंदर स्प्रिंग और डीवी वाशर और वो रिंग। इसकी डीवी देखो 075 आएगा, इसकी 075। ज़्यादा से लोग BS2 के उसमें 659 डालते हैं, मगर गलत है, वो 633 डालना है, क्योंकि इसमें 5 गियर रहता है, लोड ज़्यादा लेता है। ठीक है, अब आप इसका फिटिंग बताएंगे अपन। पंप को अच्छे से धो लेना है पहले, पंप फिट करते समय आप ध्यान में रखना है कि हेलमेट डीवी ना पकड़े। ज़्यादा से लोग अपने हाथ पे फिट करके दे देते हैं गाड़ी पे, मगर बट स्टार्ट होती है मगर क्लैरिटी नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि गाड़ी चलते चलते इसका स्प्रिंग घस जाता है और ये लॉक घस जाता है, इसमें रीडिंग की दिक्कत आती है और ये अपर प्लेट भी है ना, ये घस जाता है, इसमें आपको रीडिंग कम आती है। रीडिंग मशीन पे लेना ज़रूरी है। ये फ्लंजर इसमें डाल रहे हैं अपन, ये बैरल डाल दिए अपन, इसमें एक गालर रहेगा, ये गालर में बराबर सेंटर देख लीजिए आप लॉक बैठने के लिए। ठीक है, और इसके बाद डीवी, इसके बाद स्प्रिंग और होल्डर, इसका कंट्रोल रैक। कंट्रोल रैक के अंदर दोस्तों ये एक ध्यान रखना है कि ये कट आएगा, ये कट जो है ना, और कॉटन टीथ का टीथ ये कट को मिलना चाहिए, ये कट मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें थोड़ा अंधेरे से दिक्कत आती है, ये देख लीजिए दोस्तों, अंदर एक टीथ और वो लकीर को बराबर मिला है, गाड़ी उधर भी इधर भी। ये देखो दोस्तों, कंट्रोल रॉड और उसका टीथ दोनों मिला हुआ है। और इसके बाद ये प्लेट आएगी, उसके बाद स्प्रिंग, प्लंजर बिठा दीजिए, अब ध्यान से बिठाना है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने से लिखी रह जाएंगी, इधर हेलमेट पकड़ेगा। ठीक है, और निकालो, और ये ध्यान रखिए, ये जो कट है ना, ये कट ये स्क्रू के तरफ जाना है। ठीक है, ये कट स्क्रू के तरफ जाना है।
उसके बाद लॉक, उसके बाद रोलर, हल्के हल्के इसको दबाते हुए कंट्रोल रैक को उधर उधर घुमाना है। जब अंदर जाएगा तो लॉक डालने का, ये लॉक इधर डालना है। ये लॉक बिठाते सब ध्यान रखिए, ये लॉक जो है सो थोड़ा उधर इधर भी हो जाएगा, इंजन में सामान गिर जाएगा, फिक्स बैठना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद रीडिंग स्क्रू, ये आपका रीडिंग स्क्रू है, ये नीचे वाला कट है ना स्क्रू के नीचे, वो नीचे रहना चाहिए। और इसको मशीन पे टेस्ट हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और मैं मशीन पे डालने के लिए कोशिश करूँगा आपको वीडियो, ठीक है, शुक्रिया।